हेलो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जो प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नागमंडल। नागमंडल लिखा है गिरीश कर्नाड ने। तो ये नागमंडल की स्टोरी बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपको बहुत सारी जगह पे ऐसी स्टोरी मिलेगी नागमंडल की, लेकिन उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग दोनों ही डिफरेंट है, क्योंकि वो मूवी या किसी और जगह की स्टोरी रहती है। ये मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट से ही ली है। आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक एंडिंग है जो ओरिजिनल प्ले में थी। तो इसे लिखा है गिरीश कर्नाड ने। आपने गिरीश कर्नाड को ज़रूर देखा होगा, ये एक एक्टर भी हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में एक्ट किया है। अभी आपने उनको लास्ट आई थिंक एक था टाइगर में आपने उन्हें देखा होगा। लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हुई है। तो एक बहुत 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 ज़्यादा अच्छे राइटर हैं। ये प्ले आई थिंक सबको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। तो हम स्टार्ट करते हैं नागमंडल। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक टेंपल से। एक टेंपल में एक आदमी बैठा हुआ है। वो बार बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है, उसकी आंखें बंद हो रही हैं कि वो किसी तरह उस रात को जागता रहे। अब वो ऑडियंस को बता रहा है, ये स्टेज पे प्ले हो रहा है, अब वो ऑडियंस को बता रहा है कि ये उसकी आखिरी रात है और सुबह तक वो मर जाएगा, क्योंकि उस आदमी को एक फ़कीर ने कर्ज किया था कि अगर वो उस मंथ की किसी एक रात भी जाग लेता है तो ही वो ज़िंदा रहेगा, अदरवाइज़ वो मर जाएगा मंथ के एंड तक, और अब ये आखिरी रात है मंथ की। तो पहले उस आदमी को लगता था ये तो बहुत आसान है, एक ही रात तो जागना है, लेकिन फिर वो हर रात सो जाता था, किसी न किसी वजह से उसकी नींद लग जाती थी। अब ये आखिरी रात बची है उसके पास। वो उस फ़कीर से ये भी पूछता है कि उसने ऐसा आखिर क्या किया है जिसकी वजह से उसे ये कर्स मिला। तो फ़कीर उससे कहता है कि तुमने अपने प्ले से बहुत सारे लोगों को गहरी नींद में डाल दिया, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे प्ले पे ट्रस्ट किया एंड ऑल, ये सब कहता है। और फिर वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो बच गया तो वो कोई भी स्टोरी नहीं लिखेगा, ना ही स्टोरी से उसका कोई कनेक्शन रहेगा, वो किसी को भी कभी भी कोई स्टोरी नहीं सुनाएगा। अब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। सडनली वो देखता है तो उसे सामने फ्लेम्स नज़र आती हैं, सिर्फ लौ, बिना किसी लैम्प या किसी चीज़ के, बस अपने आप हवा में फ्लोट हो रही हैं, तैर रही हैं, और वो बातें कर रही हैं। तो होता क्या है कि जब सारे लोग सो जाते हैं तो रात को सारी फ्लेम्स एक जगह पे गैदर होती हैं और आपस में बातें करती हैं। तो सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाने लगती हैं। पहली फ्लेम बताती है कि आज मैं जल्दी इसलिए आ गई क्योंकि आज ये हो गया, सब लोग जल्दी सोने चले गए। सब लोग अपनी अपनी कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाते हैं। अब क्या होता है, एक नई फ्लेम एंटर होती है और फिर वो अपनी स्टोरी बताती है कि आज क्या हुआ था, आज मैं जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में जो ओल्ड कपल थे उनमें जो लेडी थी उसने रात को अपना सारा काम वाम सब फिनिश किया और उसके बाद वो सोने जाने वाली रहती है। सडनली वो देखती है कि उसके बेडरूम से एक यंग सी लड़की एक साड़ी में साड़ी पहने हुए भागती हुई गई है और फिर वहाँ से गायब सी हो गई। और वो हैरान हो गई कि ये लड़की कहाँ से आई कि घर के अंदर। फिर वो जाती है बेडरूम में, अपने हस्बैंड से पूछती है कि वो लड़की कौन थी। देखती है उसका हस्बैंड सो रहा था, कहता मुझे नहीं पता कौन थी। तो अब इस चीज़ को हमारे राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली बताया है कि हर इंसान के पास अपनी एक स्टोरी होती है और एक सॉन्ग होता है। उस ओल्ड लेडी के भी पास उसकी एक अपनी कहानी थी, अपना एक सॉन्ग था जो उसने किसी को कभी भी नहीं बताया था। और जब वो दिन में सो रही थी और स्नोर कर रही थी, उसका मुँह खुला हुआ था, तो वो स्टोरी जो इतने साल से उसके अंदर दबी हुई थी वो अपने आप बाहर निकल गई और उसने एक यंग सी लेडी का फॉर्म ले लिया। उस लेडी को स्टोरी कहा गया है। तो वो जो स्टोरी है जो उस वुमेन के पास थी और अब उसने एक लेडी का फॉर्म ले लिया, वो स्टोरी टेंपल में एंटर होती है। अपनी स्टोरी सुनाने के लिए वो बहुत बेचैन है। अब जब वो एंटर होती है टेंपल में तो फ्लेम्स कहती हैं कि हम लोग हैं सुनने के लिए, तुम हमें सुनाओ। तो वो स्टोरी कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पे सुनाऊंगी स्टोरी, अगर तुम इस चीज़ को फिर किसी और को सुनाओगे फिर किसी और को सुनाओगे, ये साइकिल स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो वो फ्लेम्स से कहती है कि तुम लोग इसे सुन लोगे और बस तुम्ही तक ये रहेगी और कोई तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, तो तुम्हें सुनाने का फ़ायदा क्या है। तो वो लोग कहती हैं हाँ ये भी है। अब क्या होता है, सडनली वो जो मैन है वो आ जाता है। तो वो मैन कहता है
मैं सुनूंगा तुम्हारी स्टोरी, मुझे सुनाओ। लेकिन वो स्टोरी उसके सामने ये शर्त रखती है, अब वो मैन है वो तो अभी प्रॉमिस कर चुका है कि वो अब स्टोरी किसी को नहीं सुनाएगा। उसे समझ में नहीं आता, वो कहता है लेकिन मैं तो प्रॉमिस कर चुका हूँ। तो वो स्टोरी कहती ठीक है फिर तुम मत सुनो। लेकिन अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी है कि यार क्या कहानी है इसकी। तो कहता ठीक है मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे सुनना है। लेकिन फिर वो उससे ये भी कहता है कि स्टोरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मुझे रात भर जगा सके। तो उसके बाद वो स्टोरी सुनाती है अपनी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है रानी से। रानी एक बहुत यंग सी लड़की है और उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। उसके फादर और उसके मदर ने उसे काफ़ी पैम्पर करके रखा था। उसके फादर ने अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही लड़का चूज़ किया था। जो लड़का उन्होंने चूज़ किया उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसका नाम था अपन्ना। अब क्या होता है, जब इसकी फाइनली उससे शादी होती है रानी की, रानी जैसे ही एंटर होती है अपन्ना के साथ उसके घर में, तो अपन्ना उससे बोलता है कि तुम सामान वामान लेके आ गई हो सारा? तो कहती हाँ मैं सारे बंडल्स लेके आ गई हूँ। तो फिर वो उससे कहता है ठीक है तुम कल खाना बना के रखना, मैं कल लंच करने आऊँगा। और बस इतना ही कह के वो वहाँ से चला जाता है और डोर बाहर से लॉक कर देता है। अपन्ना जो है वो मिस्ट्रेस के पास जाता है अपनी। अब रानी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो बहुत यंग रहती, बहुत इनोसेंट रहती है। वो डोर को खोलने की कोशिश करती है तो उसे समझ में आता है बाहर से लॉक कर दिया है इसने। अब वो घर में अकेली है। अब रात होती है, रात को उसे बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, उसको रात को नींद नहीं आती, डर भी लगता रहता है। वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और उसको ये इंसान समझ में नहीं आता अपन्ना। तो फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट डे भी यही होता है। नेक्स्ट डे वो आता है लंच करने के लिए, ये कुछ बात करने की कोशिश करती है पर ये चुप कर देता है उसको और उससे बोलता है कि जितना तुमसे कह रहा हूँ उतना ही करो। और बस लंच करता है और फौरन फिर चला जाता है ये जता के कि मैं अगले दिन लंच करने आऊँगा। अब क्या होता है, सडनली वहाँ पे कुरु दवा आती है। कुरु दवा क्या है, इसकी जो अपन्ना की मदर जो थी वो और कुरु दवा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। तो कुरु दवा को लगता है कि वो ब्राइड लेके आया अपन्ना तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन कुरु दवा जो है वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती। और वो अपने बेटे के साथ आई, उसके बेटे का नाम कपन्ना है। आप अपन्ना और कपन्ना में कन्फ्यूज मत होना। तो वो उसके साथ आती है, कपन्ना उसे बताता है कुरु दवा को कि डोर पे तो लॉक लगा है। तो उन लोगों को लगता है कि मे भी शायद कहीं चली गई हो वो। तो उन लोग विंडो से देखने की कोशिश करते हैं, मतलब जनरली कि उसका बाहर कपड़े सूख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था ऐसा तो नहीं है कि अपन्ना अब उसके पेरेंट्स के पास छोड़ के आ गया हो। तो जब उन लोग विंडो से झांक रहे होते हैं तो रानी देख लेती है, रानी आके बोलती है कौन है। तो फिर कुरुदवा बताती है कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ की फ्रेंड थी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उससे पूछती है कि वो कहाँ है अपन्ना। तो फिर वो रोने लग जाती है रानी, और फिर उसे बताती है कि कोई बात नहीं करता और मैं यहाँ रात भर रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बातें वो उससे करती है। ये सब उसकी स्टोरी सुन के फिर कुरुदवा अपने बेटे कपन्ना को बुलाती है और कपन्ना से कहती है कि तुम घर जाओ, घर जाके वहाँ पे एक वुडन बॉक्स तुम्हें मिलेगा और उसको लेके आ जाओ यहाँ पे। तो वो लेके आता है, फिर कुरुदवा उसको अपनी स्टोरी बताती है रानी को, क्योंकि कुरुदवा ब्लाइंड थी तो उसकी कहीं पे शादी नहीं हो रही थी। फिर एक दफ़ा उसके दरवाजे पे एक फ़कीर आता है, वो उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करती है। और उसके बाद वो फ़कीर खुश होके, वो फ़कीर उसको तीन रूट्स देता है, एक छोटा, एक मीडियम साइज़ का और एक सबसे बड़ा। और ये बोलता है कि तुम जिसे भी ये रूट का पेस्ट बना के खिला दोगी खाने के साथ मिला के, वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। पहले तुम सबसे छोटा वाला खिलाना, अगर उससे असर नहीं होता तो फिर मीडियम साइज़ का, उससे भी नहीं तो सबसे बड़ा खिलाना। अब क्या होता है, कुरुदवा को एक लड़का विज़िट करने आता है, तो ये क्या करती है, ये उसको मीडियम साइज़ वाला खिला देती, क्योंकि वो सोचती है कि ये चांस उसे दोबारा तो मिलने वाला नहीं है, छोटा क्यों खिलाऊं। और बड़े में फिर उसे डर भी लगता है कि कहीं ओवरडोज ना हो जाए। कुरुदवा बताती है कि उसका इतना असर हो गया था कि उस दिन के बाद वो कभी अपने घर वापस नहीं गया, अपने विलेज वापस नहीं गया, वो वहीं रुक गया और उससे शदीद मोहब्बत करने लगा। वो बता रही थी कि मतलब इतना ज़्यादा वो उसे चाहता था कि मौत को भी उन दोनों को जुदा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी। अब रानी ये सुन लेती है, अब कुरुदवा उसको सबसे छोटा वाला रूट दे, इससे ही असर हो जाना चाहिए। अब रानी मान लेती है। जब वो लंच करने के लिए आता है अपन्ना,
तो कुरुदवा को वहाँ से निकलते हुए देख लेता है, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो इतना ज़्यादा जालिम है कि वो चाहता है कि रानी किसी से बात भी ना करे, ना घर से बाहर जा सके और ना कोई आके उससे बात कर सके, इसीलिए वो बाहर से लॉक भी करके रख देता है। अब वो ये बोलता है कुरुदवा से कि अब तो मैं यहाँ पे एक डॉग रखूँगा ताकि कोई भी इसके घर के आसपास भी ना आ सके। अब रानी उसका पेस्ट बना के दूध में मिक्स करके रूट दे देती है। अब जैसे ही वो पीता है वो मिल्क का ग्लास, फौरन वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब रानी रोने लगती है, उसे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। फिर वो उसको होश में लेके आती है, पानी वानी की छींटे मारती, वो उठ जाता है और फिर फौरन वो चला जाता है एज़ यूजुअल। अब रानी को तो समझ में आ गया कि इसका कोई असर नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट डे कुरुदवा फिर आती है। अब इस दफ़ा कुरुदवा उसे सबसे बिगेस्ट वाला देती है रूट और उसे बोलती है कि इससे डेफिनेटली हो जाना चाहिए असर, तुम एक अच्छा सा शानदार सा करी बनाओ और उस करी में इसको घोल के दे दो खाने के लिए। रानी मना करने लगती है क्योंकि रानी को डर लगने लगता है कि यार एक स्मॉलेस्ट वाले से तो वो फेंट हो गया, इससे पता नहीं क्या होगा। लेकिन कुरुदवा उसे समझाती है कि कुछ नहीं होगा। अब कुरुदवा के जाने के बाद रानी करी बनाती है। जैसे ही अपन्ना आता है तो वो करी के अंदर उसका पेस्ट बना के मिक्स कर देती है। जैसे ही वो उसका पेस्ट बना के मिक्स करती है, करी का कलर एकदम चेंज हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है, जैसे कि ब्लड होता है, बिल्कुल ब्लड के कलर का वो हो जाता है। फिर रानी सोचती है कि यार कुरुदवा देख नहीं सकती लेकिन अपन्ना तो देख सकता है, ये देख के वो कैसे खाएगा, ऊपर से वो उसको छोड़ेगा भी नहीं अगर वो ऐसे देख लेगा कि इसने क्या बनाया है। अब उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे, तो वो उसको ये भी ख्याल आता है कि ये पीने से अपन्ना मर वर गया तो क्या होगा, वो अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देगी और उसकी क्या, उसका क्या फेट होगा आगे जाके, ये सब वो सोचती है। और फिर वो डिसाइड करती है कि नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं उसे ये नहीं दूँगी। अब वो ये लेके अपने वरांडे में फेंकने वाली रहती है, लेकिन वहाँ फेंक रही होती है तो देखती है कि वो दाग पड़ रहा है वहाँ पे। फिर उसे ख्याल आता है तो वहाँ पे एंट हिल बना रहता है तो उसमें डाल देती है। अब जैसे ही वो वहाँ से जैसे टर्न होती है तो उस एंट हिल के अंदर से कोबरा निकल के आ जाता है, किंग कोबरा। एक्चुअली जो वो करी डालती है वो कोबरा पी लेता है। तो ये हमारी स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट है। इस स्टोरी में वो कोबरा को नाग कहा है, ऑब्वियसली रानी ये नहीं देखती, रानी तो चली जाती है फिर किचन में दोबारा। कुत्ता बहुत ज़्यादा शोर मचा देता है, तो अपन्ना रानी से पूछता है कि क्यों इतना शोर क्यों कर रहा है डॉग, तो रानी चुप रहती, एकदम खामोश हो जाती है। तो क्योंकि वो कुछ रिप्लाई नहीं दे पाती तो अपन्ना उसे स्लैप कर देता है। ये सब चीज़ें जो है वो कोबरा देख रहा है, अपन्ना चला गया। फिर रात को क्या होता है, रात को वो जो नाग रहता है वो देखता है कि कोई नहीं है, तो वो ड्रेन के सहारे वो बाथरूम तक आता है और वहाँ पे वो अपन्ना का फॉर्म ले लेता है। ये पूरी स्टोरी इस मिथ पे बनी है, यू नो आजकल हम ऑब्वियसली हम जानते होंगे इच्छाधारी सांप एंड ऑल, तो ये इच्छाधारी नाग के ऊपर बनी है। तो क्योंकि वो ऑब्वियसली इच्छाधारी था तो वो वहाँ जाके बाथरूम में जाके अपन्ना का फॉर्म ले लेता है। फिर वो वहाँ से रूम में एंटर होता है, रानी उसको देख के एकदम शॉक्ड रह जाती है, अपन्ना वापस आ गया। तो अभी हमें इतना पता चल गया है कि वो नाग है लेकिन उसने फॉर्म अपन्ना का लिया है, तो अब हम उसे नाग ही बुलाएंगे ताकि हम अपन्ना और नाग में कन्फ्यूज़ ना हो। वो देखती है, कहती है अरे यार अपन्ना आ गया है, उसको यकीन ही नहीं होता। जो नाग रहता है वो उससे अच्छे से बात करता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो मुझे देख के, वो उसे बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करता है, उसे पूछता है कि तुम मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ। तो वो बोलते बोलते सो जाती है, वहाँ पे कुत्ता भी भौंकने लगता है, तो ये बोलता है कि अब कल से नहीं भौंकेगा वो। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ये फौरन वापस चला जाता है क्योंकि अपन्ना आने वाला होता है, तो नाग वापस चला जाता है। वापस वो बाथरूम में जाके अपना वापस फॉर्म लेता है और ड्रेन के थ्रू फिर वापस चला जाता है। अपन्ना फिर वैसे ही आता है जैसे वो नॉर्मली आता है, तो रानी उसको देख के पहले तो वो उसको बड़े वैसे अच्छे से ग्रीट करती है, फिर उसको समझ में नहीं आता कि इसका बिहेवियर चेंज क्यों हो गया क्योंकि वो वापस वैसे ही बन के आता है, मतलब नॉर्मली उतना ही रूड, अपने काम से काम रखने वाला टाइप का। अब क्या होता है कि नाग उस डॉग को मार देता है और काफ़ी ज़्यादा उसकी फाइटिंग होती है उसके साथ, तो उसी फाइटिंग में उसको भी कुछ चोट लग जाती है, कुछ ज़ख्म लग जाते हैं उसको भी। अब वो फिर बाथरूम जाता है, फिर वहाँ पे जो ब्लड स्टेन्स हैं वो सब वॉश करता है
और उसके बाद फिर वो रानी के पास जाता है तो रानी देखती है कि उसको कुछ जख्मों के निशान हैं। उसको लगता है कि शायद वो कुछ कांटों वाँटों के पास से आया है तो उसको लग गए हैं जख्म। तो वो कहती है मैं इसमें ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। तो वो अपना मिरर का बॉक्स खोलती है तो जैसे ही वो मिरर में देखती है पर जहाँ पे उसके हिसाब से उसका हस्बैंड अपन्ना बैठा था वहाँ पे नाग दिखता है उसको। अब जैसे ही वो कोबरा देखती है वो घबरा जाती है सडनली। फिर नाग कहता है कि क्या हो गया, तो कहती है अरे मैंने यहाँ पे एक कोबरा देखा। फिर वो ये भी बोलती है कि कोबरा का नाम रात को नहीं लेना चाहिए क्योंकि सब लोग कहते हैं कि कोबरा का नाम रात को ले लो तो वो रियल में आ जाता है। ये सुन के नाग बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और ऐसे ही उनकी बातें होती रहती हैं और वो बहुत अच्छे से उसकी शोल्डर पे अपना सर रख के सो जाती है। तो ऐसे ही अब नाग रोज़ उसके पास आने लगता है। नेक्स्ट डे अपन्ना देखता है कि डॉग तो मरा हुआ है तो डिसाइड करता है इस बार मैं मंगूस रखने वाला हूँ, नेवला रखूँगा। अब क्या होता है, अब डेली आने लगता है नाग। अब जब मंगूस आता है तो नाग और मंगूस की जो फाइट होती है उसमें नाग को काफ़ी ज़्यादा बुरी चोटें लग जाती हैं तो वो काफ़ी दिन नहीं आता। अब जब वो नहीं आता तो रानी बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, उसको समझ में नहीं आता। अब जब वो आता है वापस तो फिर वो उसके ज़ख्म देखती है तो वो कुछ नहीं पूछती उसको, हल्के फुल्के ज़ख्म अभी भी रहते हैं तो वो उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं करती ज़ख्मों के बारे में। लेकिन रानी को अभी तक ये बात नहीं समझ में आती कि अपन्ना जो है वो दिन में कुछ और रहता है और रात को कुछ और रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रानी नाग को बताती है क्योंकि नाग इतने दिन से आया नहीं था, तो अब वो नाग को बताती है कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि वो प्रेग्नेंट है रानी। अब ये सुनता है नाग और वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। तो रानी कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे। अब हमें पता है कि क्यों नाग इस चीज़ पे शॉक्ड है, क्योंकि उसको मालूम है कि रात को तो नाग आता है और उसके हस्बैंड ने अभी तक उसे टच तक नहीं किया है। नाग कहता है तुमने अच्छा किया कि ये बात नहीं बताई अभी तक मुझे, वो किसी को भी नहीं बताई और मुझे भी नहीं बताई, अब ये बात तुम मुझसे अभी भी छुपाना। रानी कहती है कि मैंने तो तुम्हें अभी बता दिया है तो तुमसे छुपाने का क्या मतलब है। तो फिर वो उसे कहता है कि हाँ अभी बता दिया लेकिन अब मुझे ये बात मत बताना। तो रानी कहती है लेकिन कभी ना कभी तो ये सबको पता ही चल जाएगी। तो कहता है नाग के हाँ वो मैं जानता हूँ कि पता चल जाएगी लेकिन जब तक हो सके तब तक खामोश रहना, चुप रहना। अब क्या होता है, स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ जाती है। अब अपन्ना दिखाते हैं, अब उसका टमी देख के उसको समझ में आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। तो अब वो बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ऐसा कर रही हो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैंने तो आज तक तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया वगैरह वगैरह, ये सब उसे कहता है, उसे उल्टा सीधा कहता है, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन करता है। और उसके बाद वो ये कहता है कि अब मैं ये इशू पंचायत तक लेके जाऊँगा और अब वही बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। अब रानी वो रोने लग जाती है और वो चला जाता है। अब रात होती है, रात होते ही नाग एंटर होता है। नाग के आते ही रानी रोने लग जाती है और बोलती है उसको कुछ कुछ, तो नाग उसे समझाता है कि बात पंचायत तक पहुंच गई है और अब पंचायत कभी भी यहाँ पे आएगी और अब बैठक बैठेगी। तो रानी कहती है कि इतनी ज़्यादा बेइज्जती लेने से अच्छा है कि तुम मुझे मार ही दो। तो नाग उसे समझाता है कि देखो पंचायत तक बात चली गई है और वो वापस नहीं ली जा सकती, मुझे पता था कि ये आज नहीं तो कल होना ही है। तो नाग उससे कहता है कि जब पंचायत यहाँ बैठेगी तो वो तुमसे तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांगेगी, तो फिर तुम क्या करना, तुम एंट हिल में अपना हाथ डालना और वहाँ से एक कोबरा को निकालना और उसको पकड़ के ओथ लेना, उसको पकड़ के कसम खाना और अपनी सच्चाई बताना। रानी शॉक्ड हो जाती है, रानी कहती है कि तुम्हें मुझे मारना ही है तो इतनी ज़्यादा ज़िल्लत तो बेइज्जती करा के क्यों मारना चाहते हो, ऐसे ही मार दो। क्योंकि रानी के अकॉर्डिंग तो उसको लगता है कि अगर वो कोबरा को हाथ में लेगी तो वो उसे काट लेगा। नाग उसे समझाता है कि यही तरीका है, अगर तुमने ये कर दिया तो ज़िंदगी भर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा ग़ुलाम बन के रहेगा। तो वो कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, ठीक है मुझ पर ट्रस्ट करो और तुम ये करो। और उसे वो ये भी बोलता है कि तुम बस इतना याद रखना कि उसको पकड़ के तुम्हें सच बोलना है, अगर तुम्हें माइंड में या दिल में रहा कि तुम झूठ बोल रही हो तो फिर वो तुम्हें काट लेगा। फिर वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। रानी को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो अपन्ना ही है वो,
लेकिन अपन्ना के ये दो दो रूप उसके समझ में नहीं आते कि दिन में इतना रूड बन जाना और रात को उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो उसे दोनों चीज़ें समझ में नहीं आती। अब नेक्स्ट डे पंचायत उसके घर पहुंच जाती है। जब ये बात फैलती है कि वो कोबरा को लेके ओथ लेने वाली है, तो और ज़्यादा क्राउड वहाँ पे गैदर हो जाती है, बहुत सारे लोग गांव के इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे हॉट आयरन रॉड को लेके ओथ लेना या ये, तो वो उस पर नहीं लेती है, वो कहती है कि मैं कोबरा को लेके करूँगी। अब क्या होता है, वो जैसे ही एंटल के पास जाती है तो वहाँ से कोबरा अपने आप बाहर आता है। वो देख के बहुत डर जाती है नाग को देख के, वो कहती है अच्छा मैं आयरन रॉड को ही लेके दूंगी। अब जब तक आयरन रॉड को उन लोग हीट कर रहे हैं, इतने में रुदवा आती है वहाँ पे चिल्लाते हुए कपन्ना कपन्ना। अब रानी उससे मदद मांगने के लिए जाती है, तो कुरुदवा तो अपने ही उसमें रहती है क्योंकि उसका कपन्ना खो गया है कहीं पे। कपन्ना को हमेशा से एक लड़की दिखती थी जिसको वो कई बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था कुरुदवा से, लेकिन कुरुदवा हमेशा उसकी बात को टाल देती थी, इग्नोर कर देती थी, कभी सुनती ही नहीं थी। कुरुदवा रानी को बताती है कि उसको फील हुआ कि उनके घर में उन दोनों के अलावा कोई और भी है, कोई और लेडी थी। क्योंकि वो देख नहीं सकती तो वो बता नहीं सकती कि वो लेडी थी कौन, लेकिन उसने पूछने की कोशिश की तो उसको समझ में नहीं आया, उसको कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन उसको इतना समझ में आता है कि वो जो लड़की थी वो ह्यूमन नहीं थी, शायद वो स्नेक वुमन थी या कुछ और थी। ये सब कह के और वो बताती है कि वो रोज़ आ जाती थी वहाँ, और वो वहाँ से जैसे ही मैंने उसे जाने को कहा तो वो वहाँ से गायब हो गई। दरवाज़ा भड़ाम से खुला और उसका बेटा भी चला गया उसके साथ। गुरुदवा फिर चली जाती है कपन्ना को ढूंढने कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, मुझे कपन्ना को ढूंढना है। गुरुदवा की बात के बाद रानी कहती है कि क्या हमारे डिज़ायर्स भी इंसानी रूप लेके हमारे बेड तक पहुंच सकते हैं। एक्चुअली ये क्लियर नहीं है कि रानी को इसके बाद पता चलता है कि नहीं, लेकिन जैसे ही रानी ये लाइन बोलती है कि क्या हमारे डिज़ायर्स हमारे बेड तक पहुंच सकते हैं इंसानी रूप लेके, तो हम समझ सकते हैं कि उसको अब अंदाज़ा हो गया है कि वो नाग ही था, क्योंकि वो अब अपनी स्टोरी को कुरुदवा की स्टोरी से पूरा कर सकती है। उसके माइंड में जितने भी डाउट्स थे वो कुरुदवा की स्टोरी के बाद, कि स्नेक वुमेन और इन सब चीज़ों के बाद उसे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि उसके साथ भी सेम वही हो रहा था। तो अब वो वापस जाती है, अब आयरन रॉड हीटअप हो चुका है, लेकिन वो जाके वहाँ पे बोलती है कि मैं कोबरा पे ही ओथ लूँगी, और फौरन वो एंट हिल के अंदर अपना हाथ निकालती है और कोबरा को बाहर निकाल देती है और उसको पकड़ी रहती है। और फिर वो ये कसम खाती है कि जब से मैं इस गांव में आई हूँ दो ही लोगों को मैंने टच किया है, एक अपन्ना और दूसरा कोबरा है, इसके अलावा किसी को मैंने हाथ नहीं लगाया। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है वो कोबरा उसके हाथों से निकल के उसके हेड के पास पहुँच जाता है, उसके हेड के ऊपर बैठ जाता है। पूरे विलेजर्स देख के हैरान हो जाते हैं क्या हो रहा है। फिर वो थोड़ी देर तक उसके हेड पे बैठा रहता है और उसके बाद वो उसके गले पे एक हार के जैसे बैठ जाता है ना, और थोड़ी देर तक उसके गले पे बैठा रहता है और उसके बाद वो वापस अपने एंटल में चला जाता है। जैसे ही ये मंजर लोग देखते हैं वो लोग उसको गॉडेस मानने लगते हैं, यार कि ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। और वो लोग उसको कहते हैं, पंचायत उससे कहती है अपन्ना कि यार तुम्हारी बीवी तो देवी है, नॉर्मल नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये देवी है, और तुम्हें पछताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देवी ऐसे ही अपना दैविक रूप सबके सामने रखते हैं। अपन्ना बिल्कुल हैरान रह जाता है, अब सब लोग उसको देवी समझने लगते हैं और देवी देवी कह के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उन्हीं लोगों में उसी क्राउड में अपन्ना की मिस्ट्रेस भी थी। जैसे ही वो रानी को देखती है, रानी का ये सुनती है और इसे ये समझ में आता है कि वो गॉडेस है, तो फिर वो भी माफ़ी मांगती है उससे और वो रिपेंट करने के उससे वो कहती है कि मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगी, ऐसा वो कहती है। पन्ना भी उससे माफ़ी वगैरह मांगता है, तो अंदर ही अंदर पन्ना को पता है कि वो उसका नहीं है, पर वो उसके बाद कुछ कर भी नहीं सकता अब, क्योंकि पंचायत तो अब मानेगी नहीं। और फिर वो भी उसके साथ अब वो उसका एक तरीके से गुलाम टाइप का बन गया है, जैसा कि नाग ने कहा था कि अब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा गुलाम बन के रहेगा। अब क्या होता है, एक रात को नाग आता है वापस, नाग एंटर होता है फिर से ड्रेन के थ्रू, और वहाँ पे वो देखता है कि वो दोनों सोए हुए हैं
रानी सो रही है और बाजू में अपन्ना सोया है और बाजू में बेटा है। ये देख के उसे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि रानी जिससे वो इतनी मोहब्बत करता है वो किसी और के साथ है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, तो उसको ख्याल आता है कि वो रानी को बाइट कर ले और फिर वो अपने साथ उसे ले ले, उसे मार के ले जाए अपने साथ। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं यार, जब से उससे रानी से मोहब्बत हुई है तब से उसको लगता है कि वो कोई किंग कोबरा नहीं है, अब वो एक नॉर्मल ग्रास स्नेक बन गया है। क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि उसका सारा पॉइजन ख़त्म हो गया है, अब वो मतलब वो काट नहीं सकता उसको। तो क्या होता है, फिर उसकी नज़र उसके बालों की तरफ पड़ती है तो वो सोचता है कि इसके इतने लंबे घने बाल हैं, मैं एक आखिरी दफ़ा अपना रूप बदल देता हूँ और अपना इसके बालों के रूप में आ जाता हूँ और एकाध इसकी लट बन के इसके बालों के साथ लिपटा रहूँगा और हमेशा उसके साथ रहूँगा। उसके इतने करीब रहने का मुझे मौका मिल जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, मतलब उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो अपने ख्वाबों से जागेगी भी नहीं, उसकी नींद भी नहीं टूटेगी। तो वो लास्ट अपना फॉर्म लेता है, अपना फॉर्म उसके बालों के फॉर्म में आ जाता है, उसके बालों के साथ लिपट जाता है और उसमें वो बहुत खुश होता है उसके पास जाके। और फिर फाइनली वो उसके बालों की एक लट लेता है, उसका एक नूज बनाता है और उसको अपने नेक के साथ लपेट लेता है। बेसिकली वो सुसाइड कर लेता है उसी के बालों से। रानी उठती है, रानी जैसे ही उठती है तो उसको अपने जो बाल हैं वो काफ़ी हैवी फील होते हैं, तो वो अपन्ना से कहती है कि तुम इसे कॉम कर दो। जैसे ही अपन्ना उसे कॉम करता है तो उसके अंदर से एक डेड स्नेक बाहर निकल जाता है, बाहर गिरता है। अब अपन्ना कहता है कि तुम सच में, रानी से कहता है तुम सच में देवी हो, तुम्हारी वजह से हम लोग बच गए। फिर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो रानी उससे कहती है कि तुम इसको कहीं दफना दो और हमारा बच्चा हमेशा आज ही के दिन इसमें एक लाइट जलाया कर। अब वो बाहर चला जाता है और फिर वो उसकी डेड स्नेक लेके वो उसको अपने चीक से टच करती है और वो रोती है। क्या होता है, स्टोरी जो रहती है हमारी, वो जो लेडी रहती है स्टोरी के फॉर्म में, वो मैन से कहती है कि अब यही स्टोरी थी और ये ख़त्म हो गई। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है, फ्लेम्स जो रहती हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं, फ्लेम्स जो रहती हैं वो भी सुन रही होती हैं स्टोरी। फ्लेम्स उस आदमी से कहती हैं, ये कैसा एंड है, हर कहानी की एक सैड एंडिंग होनी ज़रूरी है क्या? मैन कहता है वो कि मुझे ब्लेम मत करो, स्टोरी ने जो भी कहा वो सुनाया, वो चली भी गई। तो फ्लेम्स कहती हैं कि वो चली गई लेकिन तुम तो हो यहाँ पे, तुम हो यहाँ पे और ज़िंदा हो, तुम आगे कंटिन्यू करो। तो मैन कहता है कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वो एक अल्टरनेट एंडिंग इसकी बनाता है। अब वो बताता है, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट करता है, जब स्नेक वहाँ जाता है और उसके बालों में लिपट जाता है। रानी उठती है, रानी जैसे ही उठती है उसको फिर अपने बाल हैवी लगते हैं। अपन्ना उसको कॉम करता है तो उसके अंदर से जिंदा कोबरा गिरता है। अपन्ना देखता है, अरे इसको तो मारना पड़ेगा। अपन्ना जैसे इसको देखता है कि अरे मारना पड़ेगा, मैं बाहर से कुछ लेके आता हूँ छड़ी वड़ी से मारने के लिए, तो वो बाहर जाता है। इतनी देर में रानी उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम जानते हो वो तुम्हें मार देगा, अपन्ना ने तुम्हें देख लिया है अब वो तुम्हें मार देगा। तो फिर रानी कहती है, रानी को ख्याल आता है, कहती है अच्छा तुम मेरे बालों में छुप जाओ, तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं पहचानेगा, मैं तुम्हें हमेशा ले लूँगी। हाँ तुम हैवी हो लेकिन मेरी आदत पड़ जाएगी। फिर वो उस स्नेक को अपने बालों में छुपा लेती है और फिर उससे बोलती है कि अब तुम हमेशा यहाँ पे खुशी खुशी रहोगे मेरे साथ। और जैसे ही अपन्ना आता है तो उससे बोल देती है कि वो बाथरूम में चला गया है। तो ये थी हमारी स्टोरी की एंडिंग, कोबरा हमेशा रानी के साथ रहा। ये ऑल्टरनेट एंडिंग वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कि जनरली हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर स्टोरी की जो एंडिंग है हम उसे एक्सेप्ट कर लें, हम अपनी ही कोई एंडिंग बना सकते हैं जो हमें सेटिस्फाई कर सके। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो, आप कोई भी चीज़ चाहते हो मैं कवर करूँ, मैं एक्सप्लेन करूँ, कोई नॉवेल, राइटर, प्ले, समरी, स्टोरी, कुछ भी हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।